दोस्तों आज की वीडियो में मैं करने वाला हूं अनबॉक्सिंग और रिव्यू फायरबोल्ट की ब्रांड न्यू स्मार्ट वॉच एम्परर का, जो कि अंडर 3000 रुपीस के प्राइस पॉइंट पे वन ऑफ दी बेस्ट डिस्प्ले दे देती है, क्योंकि 410x502 का पिक्सल रेजोल्यूशन शायद आज की डेट में किसी 5000 की स्मार्ट वॉच में भी नहीं मिलता होगा, लेकिन वो डिस्प्ले आपको स्मार्ट वॉच में देखने को मिल जाता है। अलॉन्ग विद दैट इसमें आपको 1.96 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले और कई सारे ऐसे अमेजिंग फीचर्स मिल जाते हैं जो कि स्मार्ट वॉच को बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बनाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसका डिटेल टेस्टिंग दिखाने वाला हूं, चाहे वो इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन हो, वॉच यूआई हो, ऐप इंटरफेस हो, या फिर इनमें इसके हेल्थ सेंसर्स की एक्यूरेसी क्यों ना हो, ताकि आपको देख के पता चल पाए कि क्या आपको 2999 के स्पेशल लॉन्च ऑफर पे फायरबोल्ट एम्परर को बाय करना चाहिए या नहीं। और इसका बेस्ट बाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर बॉक्स कवर भी दिखाऊं तो यहां पे आपको वॉइस असिस्टेंट, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मोड और साथ ही साथ कई सारे की हाइलाइट्स मिल जाएंगे दोनों ही तरफ। बैक साइड में भी आपको कुछ मेजर हाइलाइट्स दिख जाएंगे, लेकिन अभी जल्दी से देख लेते हैं बॉक्स में क्या क्या मिल जाता है। जैसा आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारी ब्लू कलर में स्मार्ट वॉच आ गई है। ब्लैक कलर को मैं काफी अच्छे से टेस्ट कर चुका हूं। और आगे अगर बॉक्स कंटेंट्स की बात करें तो यहां पे आपको काफी सारे मैनुअल्स और कार्ड्स मिल जाते हैं, जिसकी अभी आपको कोई जरूरत नहीं है। और एंड में आपको मिल जाती है मैग्नेटिक चार्जिंग केबल, जिसकी बिल्ड क्वालिटी डिसेंट है और लेंथ वाइज भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जैसा आप इधर देख सकते हैं, यहां पे हमारी मेन स्मार्ट वॉच आ गई, जो कि काफी ज्यादा प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी की लग रही है। कंप्लीट मेटल का डायल आपको देखने को मिल जाता है और 1.96 इंचेस का लार्ज डिस्प्ले काफी ज्यादा एलिगेंट लग रहा है। तो दोस्तों डिस्प्ले के मामले में काफी एलिगेंट डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और बिल्ड क्वालिटी की भी बात करें तो सिल्वर कलर में आपको कंप्लीट मेटल की बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है, रोटेटिंग क्राउन मिल जाएगा अलोंग विद अ डेडिकेटेड बटन, और इधर आपको माइक और स्पीकर्स ऑब्वियसली मिल जाएंगे क्योंकि ये ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच है। और अगर बात करें स्ट्रैप्स की तो 22mm के रिप्लेसेबल स्ट्रैप्स ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे जो टेक्सचर दिया गया वो काफी ज्यादा यूनिक लग रहा है और बिल्कुल लेदर लाइक लुक प्रोवाइड कर रहा है। ऑल्दो ये लेदर है नहीं, सिलिकॉन स्ट्रैप्स ही हैं। और यहाँ पे आप ब्लैक कलर को भी देख सकते हैं, काफी एलिगेंट लुक आती है। और अगर आप एक क्लासिक लुकिंग ब्लैक कलर चाहते हैं तो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी जल्दी से दोस्तों इसको बूट कर लेते हैं और मैं आपको इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी और सेटअप दिखा देता हूं। तो दोस्तों आपके साथ पेयर करना काफी इजी है, आपको अपने फोन में फिट क्लाउड ऐप डाउनलोड करनी है और यहाँ पे आप डायरेक्टली बाइंड कर सकते हैं। इधर आपकी एक्सेप्ट करने की रिक्वेस्ट आ जाएगी और विद इन सेकंड्स हमारी स्मार्ट वॉच पेयर होगी इस ऐप के साथ। तो इतना इजी सेटअप था दोस्तों, और अब आप इजीली इसके ब्लूटूथ से भी पेयर कर सकते हैं और विद इन सेकंड्स मैं इसका AI वॉइस असिस्टेंट और ब्लूटूथ को भी अब यूज कर पाऊंगा। तो जल्दी से दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब देख लेते हैं कैसा है स्मार्ट वॉच का UI। तो जैसा आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अपनी स्मार्ट वॉच को बूट कर लिया और काफी ज्यादा ऑसम डिस्प्ले लग रहा है। 1.96 इंचेस का डिस्प्ले बिल्कुल एज टू एज लगेगा अगर आप ब्लैक कलर का कोई वॉच फेस यूज करते हैं। और मुझे इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो सही में काफी ज्यादा पसंद आया। जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लाइव वॉच फेसेस देखने को मिल जाएंगे और साथ ही साथ दोस्तों ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मोड भी मिल जाएगा, जिसमें आपको कलर्ड AOD की ऑप्शन भी मिल जाती है। तो ये चीज काफी ज्यादा ऑसम है। अब अगर बात करें इसकी ब्राइटनेस की, जो कि सबसे बड़ा हाईलाइट है, 600 निट्स की ब्राइटनेस बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट है और आउटडोर्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और इंडोर्स में आप बड़े आराम से मिनिमम ब्राइटनेस में भी अपना काम निकाल सकते हैं। बात करें वॉच UI की तो काफी ज्यादा स्मूथ UI देखने को मिल जाता है। सारे बेसिक हेल्थ सेंसर्स, वेदर अपडेट, म्यूजिक कंट्रोल और एंड में आप कंपोनेंट्स वगैरह को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। और ऊपर स्वाइप करते ही यहां पे आपको नोटिफिकेशन बार दिख जाता है, और नीचे स्वाइप करते ही सारे बेसिक शॉर्टकट्स और ब्राइटनेस एडजस्ट करने की ऑप्शन मिल जाती है अलोंग विद सेटिंग्स। राइट स्वाइप करते ही यहां पे आपको एक शॉर्टकट बार दिख जाएगा जिधर आपको रीसेंट एप्स दिख जाएंगी, और इधर ऊपर वाले बटन से आप डायरेक्टली मेन्यू में जा सकते हैं, जिसमें आपको डिफरेंट मेन्यू का एक्सेस मिल जाता है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे आपका रोटेटिंग क्राउन जो है वो सारी चीजों के लिए फंक्शनल है, चाहे आप वॉच फेसेस चेंज करें इससे या फिर दोस्तों आप इसका मेन्यू को यूज कर पाए, हर चीज में ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। अब अगर बात करें मेन्यू की तो टॉप पे सबसे पहले हमें टेलीफोन की ऑप्शन मिल जाती है। तो यहाँ पे जल्दी से मैं आपको नंबर डायल करके इसके स्पीकर की क्वालिटी दिखा देता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हैं, यहां से आप वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, फोन कॉल को फोन में ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने आप को म्यूट कर सकते हैं और साथ ही साथ कॉल को इधर से एंड कर सकते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों स्पीकर्स की क्वालिटी मुझे काफी डिसेंट लगी है, इसी तरह से आप इसमें सॉन्ग्स वगैरह भी इंजॉय कर सकते हैं। अब अगर मेन्यू में आगे बात करें तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट्स, कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह की ऑप्शन मिल जाएगी। अलॉन्ग विद दैट इधर आपको वर्कआउट मोड दिख जाएंगे, जो कि 120 से भी ज्यादा और बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट रहने वाले स्मार्ट वॉच में। अगर आगे बात करें तो यहाँ पे आपको वर्कआउट रिकॉर्ड, स्लीप मॉनिटर और सारे बेसिक हेल्थ सेंसर्स के साथ मैसेजेस की ऑप्शन मिल जाएगी। फीमेल हेल्थ का भी यहाँ पे ध्यान रखा गया, काफी अच्छी चीज है ये। म्यूजिक मोड मिल जाएगा, ब्रीथ ट्रेनिंग, स्टॉप वॉच और सारे स्मार्ट वॉच वाले फीचर्स यहाँ पे दिख जाएंगे, अलोंग विद कैलकुलेटर, जो कि स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल ऑप्शन हो सकती है। आगे अगर बात करें तो यहाँ पे आपको कैलेंडर, कैमरा और सेटिंग्स की ऑप्शन एंड में दिख जाती है। और यहाँ पे आपको सबसे पहले डिफरेंट मेन्यू स्टाइल्स मिल जाएंगे जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं, साथ ही साथ डिस्प्ले में आपको काफी सारी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मिल जाएगी। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज जो है वो है दोस्तों ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो मैंने आपको एनालॉग ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो दिखा दिया था, और अब मैं जल्दी से आपको डिजिटल ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मोड दिखा देता हूँ। तो ऐसा दिखता है आपका यहाँ पे डिजिटल ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, और यहाँ पे आपको कोई भी कलर
कलर्ड ऑप्शन नहीं दिखेगी। और अब अगर सेटिंग्स में आगे देख लेगी क्या मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, वाइब्रेशन इंटेंसिटी, लैंग्वेज वगैरह एडजस्ट करने की ऑप्शन, और सबसे अच्छी चीज की यहाँ पे आप पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं जो कि आपकी स्मार्ट वॉच को काफी अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा। एक और यूनिक फीचर जो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो है दोस्तों डाउन की फीचर, यानी कि दोस्तों आप इस की के फंक्शन को भी कस्टमाइज कर सकते हैं एप्पल वॉच की तरह, तो ये चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी है। और एंड में आपको सिस्टम सेटिंग्स मिल जाती है जिसमें आप पावर ऑफ, रीसेट और रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों वॉच का यूआई बहुत ही ज्यादा स्मूथ लगा है मुझे, और सबसे बड़ा हाईलाइट स्मार्ट वॉच का है वो है दोस्तों इसका डिस्प्ले, और इसका जो ये लाइव वॉच फेस है वो काफी ज्यादा अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहा है स्मार्ट वॉच को, और मैं इससे काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हूं। तो अब अगर बात करें स्मार्ट वॉच के बैटरी बैकअप की, तो ये ऑब्वियसली दोस्तों आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है। तो अगर आप इसको नॉर्मल यूज करते हैं मेरी तरह, तो आराम से स्मार्ट वॉच 3 से 4 दिन चल जाएगी, लेकिन अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, पीक ब्राइटनेस और एमोलेड डिस्प्ले को यूज करते हैं ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ साथ, तो यहाँ पे आपको मिल पाएगा 2 से 2.5 दिन तक का बैटरी बैकअप। फाइनली अगर बात करें हेल्थ सेंसर्स की एक्यूरेसी की, तो एक चीज काफी अच्छी है कि ये हवा में और टेबल वगैरह की रीडिंग नहीं दिखाता है, और यहाँ पे आपको सारे बेसिक हेल्थ सेंसर्स मिल जाते हैं जिनकी एक्यूरेसी मुझे काफी ज्यादा डिसेंट लगी है। अगर बात करें पेडोमीटर या स्टेप्स कैलकुलेटर की, तो उसको भी आप बड़े आराम से यूज कर सकते हो, और मैं इसको वॉक वगैरह पे बड़े आराम से यूज कर पाया हूं। तो फाइनली अगर बात करें कंक्लूजन की, कैसी लगी मुझे फायरबोल्ट की ब्रांड न्यू एम्परर स्मार्ट वॉच, जो कि एमोलेड डिस्प्ले के साथ साथ हाईएस्ट पिक्सल रेजोल्यूशन दे देती है इस बजट पॉइंट पे, और 2999 का प्राइस पॉइंट काफी ज्यादा एग्रेसिव है स्मार्ट वॉच के लिए, और डेफिनेटली आप स्मार्ट वॉच के लिए जा सकते हैं। इसका बेस्ट प्राइस नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और आशा है दोस्तों आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और साथ ही साथ नीचे टेक मंजिल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर दिया होगा, क्योंकि जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।